हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडिया मीडियम ऑनलाइन क्लास। पिलामाने आज आम पंचम श्रेणी गणित पाठ 10 आलोचना करिबा गुणनियक ओ गुणितक। आज आम ए विषय तो पूर्व आलोचना हो जाए, तार सब पार्टर लिंक देदेवि। आज आम गुणनियक गुणितक अभ्यास कार्य आलोचना करिबा, ठीक अच्छे। पिले आज आम कौन करिबा ना 64 90 और 132 ये जो तीनटा संख्यार आम गुणनेक निर्णय करवा। आम पूर्व गुणनेक निर्णय शिखी कि अलग पद्धति छोट छोट संख्यार गुणनेक निर्णय आम पढ़ी थे, ठीक अच्छे। एवं कौन करवा पिले ना बड़ संख्यार केमती जमी 132 90 एमती बड़ बड़ संख्यार केमती गुणनेक बाहर करवा। फास्ट आम देखिए 64 64 गुणनेक टेस्ट करने एक ठू जा एक के गुणिले 64 हे ना एक 64 गुणिले 64 हे केमी जान लमें जाच एक को कौन संख्या से ही संख्या द्वारा गुणिले 64 हे, ठीक अच्छे। एक को कौन थे गुणिले 64 हे आमर के दरकार 64 एक को से ही 64 गुणिले 64 हे एक गला। तापर दुई तापर कौन करवा दुई, ठीक अच्छे। दुई 64 गुणनियक हम कि ना जानापी आम 64 को दुई में हर 64 को गुणनियक मैंने कौन पिले कौन सी संख्या जदि कौन सी संख्यार गुणनियक होर्थ से संख्याटी से संख्या द्वारा संपूर्ण रूपे विभाज्य होर्थात ये दुईटा संख्या को हरले भागशेष सब बेले शून हम अर्थात 64 जदि दुई गुणनियक हुए ता अर्थ 64 को दुई द्वारा हरले भागशेष शून हम ताहले आमे कहिबा दुई 64 गुणनियक। तेना आमे चाहूचे दुई गुणनियक कि ना 64 जाणिबा, तेना आमे कौन करिबा 64 को दुई रे हरिबा। केमते हरिबा दुई तीरी छ बढ़ला शून ओल्लैला के चार दुई दुगुणे चार बढ़ला के शून है भागशेष शून भागशेष के पिले ता अर्थ 64टा दुई द्वारा संपूर्ण रूपे विभाज्य होगा, दुई द्वारा संपूर्ण विभाज्य है तेणु दुई गुणनियक है कार 64। प्रश्न उठू दुई रे केते गुणिले 64 हे दुई रे 32 गुणिले दुई रे 32 गुणिले 64 देखु ना 32 दुगुणे 64, ठीक अच्छे। ये कौन है गोटे थरे के दुईटा गुणनियक आम पाइलु दुई भी पाइलु 32 भी पाइलु एटी एक भी पाइलु आ गोटे एक गुणनियक जानापी 64 जाणीदलु दुई टेस्ट करूँ 64 दुई गुणनीय कि नुह टेस्ट करूँ, ठीक अच्छे। आमर बाहरी गला दुई देखिलु दुई भागशेष शून हो तेणु दुई तो 64 गुणनीयक जीतु भागफल 32 बाहर तेणु 32 मध्य गुणनीयक हे कहीं कह जदि मुझ 64 को 32 हर भी से दुई हे हरले दुई हे एवं भागशेष शून हे जमी 64 को दुई में हरली भागशेष के शून है भागफल के 32 बाहर तेनाली कहल दुई गुणनियक सेमती जदि 32 से टेस्ट करते हैं 64 को कौन थे हरी था 32 64 ये लिखाई था 32 ताल भागफल दुई होता है देखना 64 ये लिखी मुझ टेस्ट कर 32 64 32 गोटे गुणनियक कि नुह कौन होता 32 दुगुणे 64 होता है भागशेष के शून भागफल बाहर था दुई तेनाली फायदा एमती करिबा द्वारा फायदा होची मु दुई गुणनियक टेस्ट करी 32 बाहरी गला एक गुणनियक टेस्ट कर करूँ 64 बाहरी गला, ठीक अच्छे। एबे एक गला तापरे दुई गला को जाए जीबा मु कहबी लास्ट्रे तापरे हमें तीन टेस्ट करिबा 64 गुणनियक तीन कि 64 गुणनियक तीन कि केम जानिबा 64 को तीन रे हरिबा 64 को कौन करिबा तीन रे हरिबा तीन दुगुणे छ बढ़ला शून ओल्ला चार तीन के तीन बढ़ला एक ये भागशेष शून है कि भागशेष शून है कि ना ताहले ए 64 तीन द्वारा विभाज्य नुह 64 तीन द्वारा विभाज्य नुह तेणु तीन 64 गुणनियक हेनी जदि भागशेष शून होता ताले तीन गुणनियक होता कार 64 कथा बुझिपार तेणु आम कहीपरजे नुह, ठीक अच्छे। तीन नुह तीन जदि नुह तापर कौन टेस्ट करवा चार तीन पर कौ संख्या आस चार टेस्ट करवा चारिटा
64 ର ଗୁଣନିୟକ କି କେମିତି କରିବା ନା 64 କୁ 4 ର ହରିବା 64 କୁ କୋଉଥିରେ ହରିବା 4 ରେ 4 କେ 4 ବଳିଲା 2 ଓହ୍ଲେଇଲା 4 4 124 ଭାଗଶେଷ କେତେ ହେଲା 0 ଭାଗଶେଷ 0 ଅର୍ଥ 64 4 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ 64 ଟି 4 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗଶେଷ 0 ହେଉଛି ତେଣୁ 4 64 ର ଗୁଣନିୟକ 4 64 ର ଗୁଣନିୟକ ଅଟେ 4 64 ର ଗୁଣନିୟକ ଅଟେ 4 ଗୁଣନିୟକ ପାଇଲୁ ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଗୁଣନିୟକ ପାଇଗଲୁ 16 ପାଇଲୁ କାହିଁକି ନା 4 କୁ 16 ରେ ଗୁଣିଲେ 64 ଅର୍ଥାତ 4 ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ 16 ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ 4 ପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା 5 5 64 ର ଗୁଣନିୟକ କି ନୁହଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା 64 କୁ 5 ରେ ହରିବା 64 କୁ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ହରିବା 5 ରେ ହରିବା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ 1 ଟେଷ୍ଟ କଲୁ 2 ଟେଷ୍ଟ କଲୁ 3 କଲୁ ହେଲାନି 4 କଲୁ 4 ପରେ 5 5 64 ର ଗୁଣନିୟକ କି ନୁହଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 64 କୁ 5 ରେ ହରିବା ତେଣୁ 5 କେ 5 6 ରୁ 5 ଗଲା କେତେ 1 ଓହ୍ଲା କେତେ 4 5 ଦୁଙ୍ଗୁଣେ 10 ବଳିଲା କେତେ 4 ବଳିଲା କେତେ ପିଲେ 4 ଭାଗଶେଷ 0 ହେଲା କି ନା ଭାଗଶେଷ ଯଦି 0 ନୁହଁ 64 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ 64 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ ଯଦି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଭାଗଶେଷ 0 ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ ତେଣୁ 5 64 ର ଗୁଣନିୟକ ନୁହଁ ଲିଭେଇ ଦିଅ 5 64 ର ଗୁଣନିୟକ ନୁହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ 6 ଟେଷ୍ଟ କରିବା 5 ପରେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା 6 ଟେଷ୍ଟ କରିବା ମାନେ 64 କୁ 6 ରେ ହରିବା 64 କୁ କେଉଁଥିରେ ହରିବା 6 ରେ ହରିବା ଦେଖିବା ଭାଗଶେଷ 0 ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ 6 ମଧ୍ୟ ଗୁଣନିୟକ ହେବନି ଯଦି 6 ହେବନି ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ତାପରେ 7 ଦେଖିବା ସେମିତି 7 କୁ 64 ରେ ହରିବା 7 କୁ କ'ଣ କରିବା 64 ରେ ହରିବା 7 ଗୁଣନିୟକ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 7 64 କୁ 7 ରେ ହରିବା ଦେଖୁନ 64 କୁ କ'ଣ ହରିବା 7 ରେ 7 7 21 7 28 7 5 35 7 42 7 57 7 58 56 7 9 63 7 9 63 ବଳିଲା କେତେ 1 ଏଠି ଭାଗଶେଷ କେତେ ବଢ଼ୁଛି ପିଲେ 1 ଯଦି ଭାଗଶେଷ ବଢ଼ୁଛି 64 ଦ୍ୱାରା 7 ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ କି 64 ଦ୍ୱାରା 7 7 ଦ୍ୱାରା 64 ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ ଅର୍ଥାତ 64 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ ତେଣୁ ଯଦି ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ ଗୁଣନିୟକ କେମିତି ହେବ ତେଣୁ 7 ମଧ୍ୟ ଗୁଣନିୟକ ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ 7 ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା 8 7 ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା 8 ଏବେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା 64 8 ର ଗୁଣନିୟକ ନା ନାହିଁ 8 ଗୁଣନିୟକ ନା ନାହିଁ 64 ର କେମିତି ଜାଣିବା 64 କୁ 8 ର ହରିବା 64 କୁ 8 ର ହରିବା 8 ଅଷ୍ଟା 64 ଭାଗଶେଷ କେତେ 0 ତେଣୁଟି ଭାଗଶେଷ ହେଇଗଲା 0 ଯଦି ଭାଗଶେଷ 0 ହେଇଗଲା ଯଦି ଭାଗଶେଷ ବିଲେ 0 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 64 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 64 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗଶେଷ 0 ହେଉଛି ତେଣୁ 8 ଗୁଣନିୟକ ହେବ ଏବେ 8 ତ ଗୁଣନିୟକ ହେଇଗଲା 64 ର 8 ସହିତ କେତେ ଗୁଣିଲେ ନା 8 ସହିତ 8 ଗୁଣିଲେ 8 ସହିତ 8 ଗୁଣିଲେ 64 ହେବ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା 8 ଗୁଣନିୟକ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣନିୟକ ଜାଣିଲେ ତ ସେ ସମାନ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ସମାନ ହେଇଯିବ 8 ସହିତ 8 ସମାନ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ଗୁଣନିୟକ ପାଇଗଲେ ଆଉ ହରାହରି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କେଉଁଠି ସାରିବ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କରି 1 ଟେଷ୍ଟ କରିବ ତାପରେ 2 ତାପରେ 3 4 5 6 ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯେତେବେଳେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ସମାନ ପହଞ୍ଚିଯିବ କି 8 ଅଛି 9 ହେଇଯିବ କି 9 ଅଛି 10 ହେଇଯିବ କି 10 ଅଛି 11 ଅଛି ପୁରା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି 64 ର କିଏ କିଏ ଗୁଣନିୟକ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ 1 ହେଲା ତାପରେ କିଏ ହେଲା 2 2ଠୁ ବଡ଼ 3 ନାହିଁ 3 ପରେ 4 4 ପରେ 5 ନାହିଁ 5 ନାହିଁ 6 ନାହିଁ 7 ନାହିଁ ତାପରେ କେତେ 8 8 ପରେ ଏ ହେଲା 8 8 ପରେ 16 16 ପରେ 32 32 ପରେ 64 ଆଉ ଥରେ ଦେଖ 1 2
चार आठ आठ है षोह बतीस चौसठ गुणनयक चौसठ रुणनयक बाहर तेल केत गुणनयक बाहर चौसठ रिले एक दुई तीन चार पाँच छत सतटा तेल सतटा गुणनयक बाहर केतटा गुणनयक बाहर सत गुणनयक मान जापार अर्थात एक चौसठ रुणनयक दुई चौसठ रुणनयक चार चौसठ रुणनयक आठ चौसठ रुणनयक षोह चौसठ रुणनयक तार्थ कौन ना चौसठ टी एक द्वारा संपूर्ण रूपे विभाज्य चौसठ टी दुई द्वारा संपूर्ण रूपे विभाज्य चौसठ टी चार द्वारा संपूर्ण विभाज्य चौसठ टी आठ द्वारा संपूर्ण रूपे विभाज्य चौसठ टी षोह द्वारा संपूर्ण रूपे विभाज्य चौसठ टी बतीस द्वारा संपूर्ण विभाज्य चौसठ चौसठ द्वारा संपूर्ण रूपे विभाज्य तार्थ आम कौन लक्ष्य करूचे गुणनयक मान पे जदि गोटे संख्यार गुणनयक से संख्या द्वारा संपूर्ण रूपे विभाज्य संपूर्ण रूपे विभाज्य मान जदि दुटा संख्या को हरवा हराहरी कलापर भागशेष शून बाहर भागशेष शून बाहर जाए से संख्याटी तार गुणनयक हम ये गुणनयक बाहर करार गोटे नुआ उपाय शिखिले आज वीडियो लंबा होगा चौसठ ये सारीदा आउ गोटे वीडियो करके आम सीधा शहे बतीस शिखिदा शहे बतीस बाहर करदे नबे तुम बाहर करदे मन को मन चौसठ कली आउ गोटे वीडियो करी शहे बतीस गुणनयक एमती कहीदेवी बतईदेवी तप नबे करदेव एवं कहल पे ये चौसठ रुणनयक बाहर केतटा गुणनयक बाहर सतोटी तेनाली सतोटी गुणनयक पिले बाहर ताले से मौलिक संख्या ना जैगिक संख्या पिले को संख्या जैगिक संख्या जार दुई रु अधिक गुणनयक थब से हम जैगिक संख्या से कौन हम जैगिक संख्या तेना चौसठ एक जैगिक संख्या पिले वीडियो भल लगे जदि भल लगा आम चैनल को सब्सक्राइब करी कर तले देख नाली रे सब्सक्राइब बटन लिखाई अच्छी सब्सक्राइब करदेव जदि ब्लाक अच्छी तुम सब्सक्राइब तो करदे ओके आ वीडियो को लाइक करिवो आमे एत कष्ट करके वीडियो करूँ तुम वीडियो गोटे लाइक करदेव ओके थैंक यू।